सर लुक सेंटर ये काम रहे हो सर लुक ले सर लुक साहब जरा इकड़े ये थोड़ा पीछे चलो अरे पीछे पार्टी है अच्छा एक्सक्यूज मी अशोक सर इकड़े सर इकड़े 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 सेंटर 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 वन स्टेप पुढे येणार काय प्लीज सर सर कलर सर द्या द्या त्यांना फोन द्या सेंटर सर से सर ठीक आहे इकडे मी सर तिघे तिघे इकडे प्लीज यू नो थँक यू मारले मेमचं सोडू हां ठीक आहे झालं नाही नाही सर दोघांचा हां पण काय म्हणतो रे धक्का मार सर सेंटर सेंटर आता सेंटरला थांबा सर मॅडम समोर समोर एकदम समोर तुमचं समोर मॅम यू कॅन यूज हिंदी ॲज अ मराठी टोन मतलब आप हिंदी बोलते तर मराठी टोन किती नो नो चलो रेडी रेडी रोलिंग रेडी रेडी हां रेडी सो हाय एवरीवन वेलकम टू अवर चैनल एंड मेनी कंग्रेचुलेशन फॉर द सीरीज सर फर्स्टली आपसे जानना चाहेंगे ये मूवी जो आपने बनाई है वो भी सुपर स्टार्स के साथ वेब सीरीज यस 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 सीरीज रेडी और ये हिंदी में भी डब हो चुकी है ओके आपने सब सुपरस्टार्स को एक साथ लेकर आए हो और कह सकते हैं आपकी यू नो करियर का एक टर्निंग पॉइंट होगा और हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद वर्किंग विद यू नो सुपरस्टार्स टर्निंग पॉइंट तो बिगिनिंग पॉइंट ही है लेकिन ये इस सीरीज का सीरीज में ये लोग हैं ना कि इस सुपरस्टार से इसकी वजह से ये अच्छे एक्टर से इसकी वजह से तो हर कैरेक्टर के लिए मतलब सही के कैरेक्टर के लिए सही वाज वेरी एप्ट सभी और मुझे पता है कि वो एक्टर उसके अंदर पोटेंशियल क्या है आशु सर के साथ मैंने पहले काम कर चुका हूँ वेंटिलेटर के वक्त मैं एसोसिएट डायरेक्टर था और फिर मकरंद एंड सोनाली आई हैव सीन देम उनका बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मैंने देखे हैं तो उसके बाद मुझे लगा कि ये जो पर्टिकुलर रोल्स हैं उनके लिए ये ही आर्टिस्ट करेक्ट रहेंगे ना कि सुपरस्टार्स ओके वेल सही मैम आपसे जानना चाहेंगे कितना चैलेंजिंग आपका किरदार है और हम देख रहे हैं अभी भी आपके टैटूज़ हैं और बहुत सारे आपने टैटूज़ भी बनाए थे आपके किरदार के लिए थोड़ा सा वो जानना चाहेंगे आपके किरदार के बारे में किरदार बहुत चैलेंजिंग था समथिंग दैट आई हैव नॉट डन बिफोर लुक वाइज भी बॉडी लैंग्वेज हो या उसकी भाषा हो सब अलग था
ये तो बस एक्सटर्नल ब्यूटिफिकेशन है, असली ब्यूटी तो आपको 4th October से देखने मिलेगी, क्योंकि बहुत लेयर्ड परफॉर्मेंस है, क्योंकि ये वेब सीरीज घूमती है ह्यूमन नेचर के कॉम्प्लेक्सिटीज के अराउंड, तो उतने ही सबके कैरेक्टर्स लेयर्ड है, मेरा भी लेयर्ड है, एंड आई कांट वेट फॉर यू ऑल टू वॉच फ्रॉम 4th October. Binge watch करना प्लीज. या श्योर सर, आपसे जानना चाहेंगे एक ऑफिसर का किरदार निभा रहे हो, ऑल्सो यू नो आपने पहले भी मूवीज बहुत सारी डायरेक्ट की है, तो इस मूवी में आपने आशीष सर को कितना हेल्प किया हो? यस सॉरी, आई एम सो सॉरी. सो सीरीज में कितना आपने आशीष सर को हेल्प किया हो, ऑल्सो यू नो इस किरदार में आपके लिए क्या चैलेंजिंग पार्ट था? सबसे अहम बात है कि पुलिस फोर्स पे जब भी कुछ शो या कुछ फिल्म बनती है तो मेरे लिए वो खास हमेशा एक उसकी खास जगह है जी. क्योंकि मेरे पिताजी भी पुलिस अफसर थे, तो मैंने वो ज़िंदगी देखी है, मैंने किस तरह से उन्होंने 24-24 घंटे काम किया है, ड्यूटीज़ होती थी, तो पता है कि उनका कितना सैक्रिफाइसेस रहे. तो पुलिस फोर्स के सैक्रिफाइसेस जो हमारी प्रोटेक्शन के लिए वो जितना करते हैं, वो जितना भी हम उसको सराहें उतना हमेशा कम लगता है मुझे. तो जब एक पुलिस अफसर का रोल मुझे ऑफर हुआ, और वो भी ऐसा पुलिस अफसर जिसके बारे में जिनका नाम मैंने सुना था लेकिन उनका कार्य मुझे पता नहीं था, और जब मैंने ये सुना कि रमाकांत कुलकर्णी जी ने इतने सारी केसेस सब सॉल्व किए, उनका 100% सक्सेस रेशियो था, और उस वक्त वो शेरलॉक होम्स ऑफ इंडिया इस किताब से जाने जाते थे. तो मुझे जब पता चला कि मैं महाराष्ट्र में रहते हुए मुंबई में रहते हुए मुझे इनके बारे में पता नहीं है, तो अगर ही मुझे मौका मिला है कि ये मैं रोल प्ले करूं, तो पहले तो मैं भाग्यशाली हूं कि रोल मुझे ऑफर हो रहा है, और अगर मैं इसे करता हूं और ये अगर लोगों तक पहुँचता है तो बहुत ज़रूरी बात है, ताकि सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं देश भर सारे लोग रमाकांत कुलकर्णी जैसे अफसर को सराहें, इनके बारे में जितनी जानकारी. क्योंकि प्रथा है कि जो डायरेक्टर बन जाता है उसको दूसरे डायरेक्टर्स एज एन एक्टर कास्ट नहीं करते, वो एक नॉर्म था उस टाइम, अब वो बदल रहा है. और इसलिए जब मुझे वेंटिलेटर में राजेश मापुसकर ने कास्ट किया, या मुझे अभी समीर सक्सेना, अमित दुरानी, इन्होंने कालापानी में कास्ट किया, तो एक तो वो रोल्स बहुत अच्छे थे, उनका जो उनकी जो दुनिया थी उस रोल्स की वो बहुत अच्छी थी, और मुझे एक्साइट कर गई. और मुझे हमेशा लगता है कि अगर मैं उस प्रोसेस को इन्जॉय नहीं करने वाला हूँ, या उस वो जो जर्नी अगर मुझे पसंद नहीं होने वाली, तो फिर काम करने का मतलब नहीं है. सो व्हेन आई गॉट ऑफर्ड रमाकांत कुलकर्णी बाय आशीष बेंडे, जिसकी पहली फिल्म मैंने देखी और मुझे बेहतरीन लगी, उसको इतना अवार्ड्स मिला वो तो दूसरी बात है, लेकिन फिल्म बहुत ही दर्जेदार है और बहुत बारीकी सस्ते बनाई है. और वेंटिलेटर में मैंने उसके साथ काम किया है बिकॉज ही वॉज एसोसिएट डायरेक्टर दैट टाइम. तो मुझे लगा कि एक ट्यूनिंग जो हमारी हो चुकी है वो शायद इस फिल्म में उसका फ़ायदा होगा. मैं निश्चिंत रहूँगा कि आई एम बीइंग डायरेक्टेड बाय आशीष. तो आई नेचुरली सेड यस बिकॉज देयर वर टू मेनी tick boxes that were going towards it, yes. Also, sir, you know, आपने कितना रिसर्च किए हैं और इस किरदार के लिए कितना प्रिपरेशन किए हैं, कितना आपका होमवर्क था इस किरदार के लिए? You know, English में कहावत है ना, you get food served on a plate. So this is like a project that got served to me on a plate. Because इसकी book रमाकांत जी ने खुद लिखी थी, detailed account है वो, Prince on the Sands of Crime, जिसके ऊपर गिरीश जोशी जी ने उसका पूरा स्क्रीनप्ले लिखे, 8 episode. तो उन्होंने दो दो साल ढाई साल उस पर काम किया है, उस पर मेहनत की है, और सारी डिटेल्स उन्होंने रिसर्च कर दिया था. अब वो ऐसा है कि जब हम एक शॉप में जाते हैं, दुकान में जाते हैं, और हम वहाँ पे जैकेट खरीदते हैं और जैकेट पहन लेते हैं, तो उसी तरह मेरे लिए सिर्फ ये रमाकांत कुलकर्णी का रेडीमेड इन्होंने जैकेट बना दिया था, मुझे पहनना था. इस केस में जैकेट नहीं कहूँगा, इस केस में यूनिफॉर्म. ऑल्सो रिसेंटली यू मेट शरद पवार सर, और 1973 का भी आपने फोटो डाला है और रिसेंट फोटो भी डाला है. हाउ वाज योर एक्सपीरियंस मीटिंग हिम, और क्या कुछ यू नो मूवी को लेके आपकी बातचीत हुई, थोड़ा बहुत बताओगे तो? इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, बट आई थिंक ये इसका जो इसका जेनेसिस है
वो आशीष ज़्यादा जानता है. तो मीटिंग तो हमारी बहुत अच्छी हुई एंड आई वॉज हैप्पी टू मीट हिम एंड ही गिव अस बेस्ट विशेज. वो बहुत खुश थे कि मैं रमाकांत जी का रोल निभा रहा हूँ, तो उसके लिए उन्होंने बेस्ट विशेज दिए. लेकिन उस मीटिंग में कुछ मज़ेदार बातें हुई जो आशीष आपको बताएंगे. प्लीज सर. रमाकांत जी और शरद पवार जी के बीच में अच्छे मैत्रीपूर्ण संबंध थे जी. लेकिन ये मुझे पहले पता नहीं था. ये रिसर्च के वक्त हमने ये बात जान ली थी. और उसके पहले भी जब रमाकांत जी की वाइफ से हम मिले थे, उनकी फैमिली से जब मिले थे, तब हमें पता चला था कि शरद पवार जी के वो बहुत ही चहेते ऑफिसर थे. ओके. और उन्होंने ही 72 में ये मानवत का केस सुलझाने के लिए उनको वहाँ पर भेजा था मानवत. तो ये सब सीरीज खत्म होने के बाद हमने कहा कि चलो एक चांस लेते हैं उनके दोस्त के ऊपर, अगर एक सीरीज बन रही है तो पूछ के देखते हैं कि हमको आपसे मिलना है. तो उन्होंने कहा आ जाओ. तो हम लोग गए. तो हमें तो लगा था कि 3 मिनट या 4 मिनट हमें बात करने को मौका मिलेगा. लेकिन हम जब बैठे तो आधे घंटे तक हमारी बातचीत चली. उन्होंने पूरी मानवत की कहानी हमें बताई उनके नज़रिए से. और उन्होंने बहुत ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हमें बताई कि जो शायद हम नहीं जानते थे. और ऑफकोर्स मतलब उनको हम इनकॉर्पोरेट नहीं कर पाते इस सीरीज में. लेकिन आई वॉज शॉक टू सी लाइक नो के उनको इतना ज़्यादा याद है अभी, मतलब आफ्टर 50 ईयर्स ऑलमोस्ट अभी तक उनको ये याद है. सो आपको सॉरी बट यू नो जिस तरह उन्होंने बताया उनकी यू नो उनके बारे में, आपको लगा कि आपने सीरीज में कहीं ना कहीं कुछ चीजें मिस कर दिए हैं? नहीं नहीं, कुछ चीजें सीजन 2 के लिए रखी है. ओह ओके. ये सब सीजन 2 में यूज हो सकती है. ओह दैट्स ग्रेट. सही. आपका मतलब किरदार जो रियलिस्टिक, कहानी पूरी रियलिस्टिक है, तो आपके लिए कितना चैलेंजिंग था वो पूरा सीन रिक्रिएट करके? हम मतलब हम जो दर्शक है उनको दहशत, उनमें दहशत फैला हुआ, कितना चैलेंजिंग था? एक्चुअली समिंद्री का काम दहशत फैलाना नहीं है, वो इट्स जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ हु शी इज. और वो ऐसी क्यों है ये जानने के लिए आपको सीरीज देखनी पड़ेगी. अगर मैंने अभी कुछ बोल दिया तो वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा. तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सीरीज देखें और फिर जाने कि वो वाई शी इज हाउ शी इज. देर आर लॉट ऑफ रीजन्स. उसकी फैमिली है, सोशल प्रेशर है, बहुत सारी चीज़ें प्ले में आती है जब आप उसको इस तरह से देखते हो. मतलब टू ऐड टू दिस, आई फील वेरी सॉरी फॉर सही कि ये जो किरदार ये कर रही है ना, अनफॉर्चुनेटली उसके बारे में वो ज़्यादा बता नहीं सकते. अगर कुछ भी एक लफ्ज़ भी यहाँ का वहाँ हो जाए तो मैम आपसे जाना चाहेंगे. सोनाली कुलकर्णी जी का ऑन स्क्रीन आप सिस्टर का किरदार निभा रहे हो, सो ये जाना चाहेंगे रियल लाइफ में फ्रेंडशिप या सिस्टर कनेक्शन कितना है आप लोगों का और क्या आगे देख सकते हैं? सोनाली जी को हम मतलब मैं अन्नपूर्णा बोलती हूँ क्योंकि वो कई बार हमारी, मैं कॉमेडी शो करती हूँ जज, तो कई बार वो भी बगल की कुर्सी पर बैठी हुई होती है. तो हमारी एक तरह से जोड़ी है और वो जब भी आती है खाली हाथ कभी नहीं आती है. तो हम सब उन्हें अन्नपूर्णा बुलाते हैं. और अन्नपूर्णा अगर बहन हो आपकी तो सोने में सुहागा है, मज़ा ही आ गया उनके साथ काम करके. वेल लास्टली आप जाते जाते फैंस एंड व्यूवर्स को क्या कहना चाहोगे सीरीज के बारे में? एक बहुत दिल से बनाई हुई एक सीरीज है, इसमें बहुत अच्छा मैसेज हम देने की कोशिश करें. लेकिन एट द सेम टाइम ये बिंज वर्थी है. एक मराठी लैंग्वेज में इस तरीके का कंटेंट अभी तक आया नहीं है और इसे सिर्फ मराठी मत समझिए, मेरे हिसाब से ये नेशनल लेवल में कम्पीट कर सकती है. नेशनल लेवल की ये बनी हुई सीरीज है, उसको हमने अलग अलग भाषाओं में जैसे कि हिंदी, तमिल, मलयालम और बंगाली में भी डब किया है. तो इन सभी लैंग्वेजेस में अवेलेबल होने वाले 4th of October से, तो प्लीज़ इसे देखिए और इन लोगों के काम के लिए देखिए. सर आप मतलब आशुतोष जाने माने निर्देशक है, इंटरनेशनल लेवल तक पहुँचे हैं, किस तरह से आपने उनको निर्देश करते हुए, कितने चैलेंजिंग रहा आपको? क्योंकि उनके खुद के बहुत इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, हालांकि काफ़ी साल से हम देख रहे हैं बहुत ही टैलेंटेड डायरेक्टर है, तो कितना चैलेंजिंग रहा आपको उनके साथ में काम करना, उनको निर्देशित करना? चैलेंजिंग मतलब एक तो वो उनके अंदर जो डायरेक्टर है उनको वो घर पर छोड़ जाना है जब ही इज एक्टिंग. और इसकी वजह से और ही ओबेज लाइक जो भी मैं उनको बता रहा हूँ, अगर उनको कुछ एक आध चीज़ अगर ऐसे लगे कि ये थोड़ा अलग हो सकता है तो वो मैं बहुत मॉडेस्टली बता देंगे. अगर वो मुझे पसंद आ गई तो मैं उसको रखूँगा और अगर उसके बारे में मेरा कुछ अगर काउंटर आर्ग्यूमेंट होगा कि नहीं सर मुझे लगता है ऐसा है, तो ये सर ओके लेट्स गो बैक.
तो मतलब ये चैलेंजिंग नहीं था, लेकिन एक एक चीज़ बताता हूँ कि जब भी जब शूट होता है तो ये आते थे मॉनिटर पे देखते थे, और शॉट होने के बाद अगर कुछ शॉट्स में ऐसा हुआ है तो उन्होंने देखा और कहा सुपर, मतलब वो सुपर इज इनफ फॉर मी। लास्टली सर आप और मैम आप क्या कहना चाहोगे फैंस एंड व्यूअर्स को? 4th अक्टूबर को मार्क योर कैलेंडर्स नाउ। आशुतोष जी, मैं तो हमारे जितने हिंदी भाषी है ऑडियंसेस हैं जो ये शो देखेंगे, मैं उनसे ये कहूँगा कि प्लीज़ ये शो देखें, बिकॉज ये अगर आप वो देखते हैं और अगर ये शो नेशनल होता है तो मराठी जो भाषा है, मराठी लिटरेचर जो इतना रिच है, एंड मराठी लिटरेचर में इतना सारा साहित्य पढ़ा हुआ है जिसके बेसिस पे वेब सीरीज़ बन सकती है, तो ये पहली वेब सीरीज ऐसी होगी मानवत मर्डर्स विच इज़ गोइंग स्टार्ट दिस ट्रेंड। तो अगर आप देखते हैं और आपको पसंद आती है तो इट विल हेल्प मराठी वेब सीरीज टू बिगिन अगेन इन अ बिग न्यू वे। आशुतोष जी, आपकी फिल्म लगान ऑस्कर में जा चुकी है और आपको काफ़ी एक्सपीरियंस है, अभी लापता लेडीज भी जा रही है, तो क्या कहेंगे इस बारे में? एक्चुअली ये सवाल इस मानवत मर्डर्स के बाहर का है। हाँ, फिर भी एक आपका रिएक्शन जानना चाहिए, इनके जगह अभी नहीं है। नहीं, थैंक यू सो मच, थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।